हरियाणा प्रदेश में भले ही सेक्स रेशियो में गिरावट दर्ज हो रही हो, वहाँ लड़कियों को लेकर संकीर्ण सोच रखी जाती हो, लेकिन ऐसे ही प्रदेश में कुछ लोग हैं जो अपनी लड़कियों का लड़कों से कम नहीं समझते हैं। वे लोग लड़का लड़की में कोई भेद नहीं करते हैं। तभी तो इस प्रदेश में कई ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने अपने प्रदेश और देश का पूरी दुनिया में नाम रोशन किया है। आज सफलता की कहानी एक ऐसी ही लड़की की। हरियाणा की इस छोरी ने अपने पिता का सपना महज 22 साल की उम्र में पूरा कर दिया और अपने पिता की ही तरह भारतीय पुलिस सेवा में कार्यरत है। आज हम बात कर रहे हैं प्रीति यादव की, जो यूपी कैडर 2019 बैच की पास आउट है। प्रीति यादव का जन्म 1997 में हरियाणा के रेवाड़ी जिले में हुआ। उनके पिता मुकेश यादव चंडीगढ़ पुलिस में हेड कांस्टेबल हैं। बचपन से ही पढ़ाई में होशियार रही प्रीति अपने पिता की तरह कुछ कर गुजरने का जज्बा रखती थी। वे अपने पिता की तरह पुलिस में जाना चाहती थी। उनके पिता का भी यही सपना था। प्रीति ने अपनी मेहनत के दम पर सफलता के इस मुकाम को पा भी लिया। प्रीति ने 12वीं में 96.2% अंकों के साथ टॉप किया तो वहीं ग्रेजुएशन में गोल्ड मेडल भी हासिल किया। प्रीति ने जियोग्राफी से बीए ऑनर्स की डिग्री हासिल की और उसी दौरान उन्होंने यूपीएससी परीक्षा की तैयारी भी शुरू कर दी थी। उन्होंने इस तैयारी के लिए अपने मास्टर्स की पढ़ाई को बीच में ही छोड़ा। प्रीति की मेहनत के दम पर उन्होंने साल 2019 में मात्र 22 साल की उम्र में यूपीएससी परीक्षा क्लियर कर ली। प्रीति यादव को नोएडा कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के नेतृत्व में काम करने का मौका मिला। प्रीति को डीसीपी महिला सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई। इसके साथ ही वे पुलिस लाइन की भी जिम्मेदारी को संभालती हैं। प्रीति यादव को घूमने का भी बहुत शौक है। उन्हें नई चीजों के बारे में जानना अच्छा लगता है। वे उत्तराखंड भी गई थी, जहां की कुदरती सुंदरता को उन्होंने तस्वीरों के जरिए पोस्ट कर दिखाया था। इसी के साथ ही बचपन से प्रीति को आर्ट में भी रुचि है। इंस्टाग्राम अकाउंट पर उनके कला के बेहतरीन नमूनों को देखा जा सकता है। अपने काम के दम पर सहारनपुर यूपी में काफी सुर्खियां बटोरी है और उसके बाद उनका ट्रांसफर लखनऊ में हुआ। जब वह सहारनपुर में थी तो उन्होंने एसपी के पद पर रहते हुए महिलाओं की जागरूकता के लिए काफी काम किए। उनकी पहली पोस्टिंग सहारनपुर में ही हुई थी। प्रीति हमेशा से ही ये मानती हैं कि यूपीएससी का सिलेबस भले ही कितना बड़ा हो, लेकिन अगर आपका लक्ष्य बड़ा हो तो उसके आगे सब छोटे लगने लगते हैं। प्रीति हाल फिलहाल में नोएडा में डीसीपी के पद पर तैनात हैं और वे यहां भी महिलाओं को अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक करने का काम कर रही हैं। प्रीति यादव की ये सफलता की कहानी सभी को यही सिखाती है कि सफलता की मंजिल उन्हें ही मिलती है जो मेहनत करना जानते हैं, किसी भी मुश्किल से नहीं घबराते हैं तो वह सफलता के मुकाम पर जरूर पहुँचते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।